हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्कार। मेरा आज बड़ा ही शुभ दिन है, भगवान कृष्ण का जन्मदिवस है आज, कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम कान्हा जी के लिए मखाने की खीर बना रहे हैं, उनको भोग लगाने के लिए, और आप सब भी व्रत में इसको खा सकते हैं। तो चलिए भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाते हैं। सबसे पहले हम ये, मैं देसी घी के 2 चम्मच ले रही हूँ, और इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट को भून रही हूँ। ये मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिया है, पिस्ता लिया है, और थोड़ा सा ये मगज लिया है। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप कोई भी डाल सकते हैं, और कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पर ये मैंने मखाने भी आधे आधे काट कर ले लिए, इनको भी भून रही हूँ। इन सबको हम भून कर लेंगे, इसलिए इनका टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको भूनते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। ये क्रिस्पी हो गए हैं, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, ये थोड़े से क्रिस्पी होते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा मिल्क जो है मैंने पहले से ही बॉयल करने के लिए रखा था, और ये बॉयल हो गया है। थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लें। और इसमें थोड़ी सी ये इलायची डाल लें। हम ये सारे जो ड्राई फ्रूट हमने क्रिस्प किए थे वो इसमें डाल रहे हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और अब इसमें जो मैंने पिसी हुई जो चीनी होती है वो डाल रही हूँ। चीनी भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और ये देखिए, तो लीजिए भगवान जी का भोग तैयार है, खीर। कान्हा कान्हा आन पड़ी में तेरी द्वार, आन पड़ी में तेरी द्वार। तो लीजिए, कान्हा जी के लिए हमने भोग बना लिया है, और अब हम इनके लिए, कान्हा जी के लिए एक और भोग बना रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कृष्णा जी के लिए अब हम पंजीरी बनाने जा रहे हैं, और इसमें आटे की पंजीरी नहीं बनती है, इसमें जो है वो धनिया की पंजीरी बनती है कान्हा जी के लिए। तो अब हम अपने कान्हा जी के लिए ये पंजीरी बना रहे हैं। सबसे पहले हम 1 घी चम्मच डालकर ये मखाने को अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। ये मैंने मखाने काट के लिए हैं, तो ये मखाने जो है काफ़ी क्रिस्प हो गए हैं। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल रही हूँ। अब इसमें ये 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ, ये सब देसी घी में बना रही हूँ। और अब मैं अपने इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, ये बादाम, काजू, जो भी आपके पास हैं वो सारे आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसको भूनने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और इसकी खुशबू भी बढ़ जाती है। तो इसको मैं भून लेती हूँ, अच्छे से भूनेंगे इसको लो फ्लेम में। तो ये मेरे कटे हुए ड्राई फ्रूट थे, ये भी क्रिस्प हो गए हैं, इसको भी मैं बॉल में निकाल रही हूँ। एक ही जगह करेंगे ताकि मिलाने में आसानी से रहेगी। और अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कोकोनट भी डालूँगी। इसको भी लो फ्लेम में थोड़ा सा भून लेंगे। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है कोकोनट की, वाह बहुत अच्छी आ रही है। कान्हा जी, आपके लिए बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद बनाया जा रहा है, इसको मैं बाउल में निकाल दूँ। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ये देसी घी ले रहे हैं। देसी घी खाना अच्छा है, इसमें
गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये हमने देसी घी डाल दिया है और अब मैंने ये भर के एक कटोरी धनिया मैंने जो है वो साबुत धनिया पीस लिया था और उसको फिर छान लिया था, तो ये जो है मैं इसमें भून रही हूँ। ये स्लो में भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो ना हो जाए, तो इसको भूनेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। बड़ा नटी खटेरी कृष्ण कन्हैया क्या करी यशोदा मैया मैया क्या करी यशोदा मैया। देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है और मेरे कन्हैया का, मेरे कान्हा का, मेरे गिद्धर का, मेरे गोपाला का प्रसाद तैयार है। इसको प्रसाद को बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कान्हा जी, मैं आपके लिए प्रसाद बना रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया, इसको जलाना नहीं है। और इसमें मैं थोड़ी सी ये इलायची पिसी हुई भी डाल रही हूँ, तो इसको मैं जो है ये सारे मिक्स कर रही हूँ एक बाउल में। और इसमें लास्ट में रह गई है चीनी, ये मैं डाल रही हूँ। ये भी आप कम ज़्यादा जैसे खाना चाहें वैसे डाल सकते हैं। तो लीजिए कान्हा जी के लिए हमने ये पंजीरी बना दी है और ये कान्हा जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद हम ये प्रसाद खाएंगे। और ये जो प्रसाद है बहुत ही हेल्दी है, तो आप भी ये कान्हा जी के लिए प्रसाद बनाइए और खाइए। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। तो चलिए अब हम कान्हा जी के लिए पंचामृत बनाने जा रहे हैं। तो पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले हम मिल्क लेंगे हाफ कप और उसके बाद हम लेंगे कर्ड एक कप। कर्ड एक कप लेंगे और इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। और उसके बाद हम लेंगे 1 टेबल स्पून हनी। ये मैं 1 टेबल स्पून हनी ले रही हूँ, ये हनी है। मखाने ये मेरे कटे हुए चॉप्ड हैं, ये मैं हाफ कप इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी शुगर। शुगर जो है मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 टेबल स्पून। ये देखिए शुगर, ये 2 टेबल स्पून शुगर है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये बेजल लीव हैं मेरे बहुत सुंदर सुंदर, ये 10-12 पत्ते हैं मेरे। इसको मैं तोड़ के क्रश करके लीव्स को इसमें डाल दूंगी। और अब आपके पास अगर गंगा जल है तो वो भी 1 चम्मच इसमें डाल दें। और इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस ये शुगर को थोड़ा सा मिक्स करना है। तो ये हमारा बन गया पंचामृत। एक बार फिर से आप सबको कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी।